What is up, ladies and gentlemen, eSports 360 के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से नाइट्रो ने की है CSGO की दुनिया में वापसी। उसके बाद बात करेंगे कि क्यों क्राफ्टन आखिर सू कर रहा है गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर्स को। एंड इन द एंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, VCC की एक नई लॉन्च पार्टी हुई थी होस्टेड बाय वेल योर्स ट्रूली, तो उसके स्निपेट्स के ऊपर भी हम नजर डालेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइस आर वॉचिंग eSports 360। What is up, ladies and gentlemen, एक बार फिर से स्वागत है eSports 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। तो एक काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज अभी सामने आई है, एंड दैट इज नाइट्रो ने रिसेंटली 100 थीव्स को कहा अलविदा और टीम लिक्विड में एज अ CSGO प्लेयर कर लिया है वापसी। अगस्त 2020 में नाइट्रो ने अपना ट्रांजिशन किया था टू वैलोरेंट ईस्पोर्ट्स विद 100 थीव्स, जो उस टाइम पे काफी खराब परफॉर्म कर रही थी। बट नाउ टीम लिक्विड हैज साइंड हिम बैक, एंड दैट टू राइट बिफोर द 2022 प्रो सीजन। CSGO के रोस्टर की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह हमें नजर आता है: एलीज, नैफ, ओसी, शॉक्स एंड नाइट्रो, और अड्रेन इस टीम के हेड कोच होंगे। तो क्राफ्टन ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि वो गरीना के पीछे जाएंगे फॉर कॉपिंग पबजी, और इस चीज के लिए वो गरीना को सू कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ एप्पल और गूगल को भी सू किया जा रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गेम एज वेल। वेल, जिन्हें दोनों गेम्स के बारे में पता है उन्हें यह भी पता होगा कि दोनों कितने सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ गेम मैकेनिक्स, वेपन्स, मैप्स एंड इवन द रिवॉर्ड सिस्टम। क्राफ्टन हैज सूड गरीना फॉर ब्लेटेडली कॉपिंग पबजी, वाइल इट हैज ऑल्सो सूड एप्पल एंड गूगल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गेम एंड होस्टिंग रिलेटेड कॉन्टेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। क्राफ्टन ने अब ये किया तो किया, बट माई क्वेश्चन इज वॉट टुक देम सो लॉन्ग। व्हाटएवर इट मे बी, दिस इज अ बिग स्टोरी एंड इसका फॉलो अप आपको इसी शो पे मिलते रहेगा। अब जितने भी लोग इंडियन वैलोरेंट सीन या इंडियन FPS सीन को बेसिकली फॉलो करते हैं, उनका OG पुराने प्लेयर्स के लिए एक ही सवाल रहता है कि उनका परफॉर्मेंस तो वो कब तक डिलीवर करेंगे, और साथ ही साथ फ्यूचर में अगर कोचिंग रोल में ट्रांजिशन करने की बात आई तो कब करेंगे। अब इसी मुद्दे पर वेलोसिटी के सेंटिनल AK अन्ना से सवाल पूछा गया था कि क्या अमातेरासु हमको कोचिंग रोल में ट्रांजिशन करते हुए नजर आएंगे, एंड ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से। जैसे आपने मेंशन किया अबाउट द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू लैच ऑन एंड आस्क अन्ना अबाउट दैट, क्योंकि रिसेंट हम देखें यू हैव बीन लुकिंग फॉर अ कोच, बट आई ऑल्सो हर्ड अमित रसु अनाउंसिंग दैट ही इज गोइंग टू बी टेकिंग ओवर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू एज अ ओनर, हाउ इज दैट फील व्हेन यू हैव दैट मच एक्सपीरियंस वेयर द प्लेयर हिमसेल्फ कैन स्टेप अप एंड टेक सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू बी एबल टू इवन ट्रस्ट दैट प्रोसेस विद दैट प्लेयर। सो एज अ ओनर, व्हाट इज दैट फीलिंग लाइक? इट फील्स वेरी कंफर्टेबल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ये दैट यू नो दैट योर रोस्टर is going to be in the best hands even after a player is not at its peak. Like Anuj right now is what, 30, and he still has the firepower of a 16-year-old kid. So I said, you know, coaching days are still, kept it on pending for him. और हम सबको पता है कि मार्जिल ने कितने कम टाइम में कैचअप किया है बाकी के कंपेटिटिव सीन से, जो उनसे लगभग एक साल पहले से वैलोरेंट खेल रहा था, एंड इसी चीज को यूफोरिया ने काफी क्लियरली हमें एक्सप्लेन किया कि मार्जिल का लेवल ऑफ डेडिकेशन कितना ज्यादा है गेम को लेकर। आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, द डे वी स्टार्टेड आवर मुंबई बूट कैंप, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई मेट मार्जिल, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन अस इन दैट बूट कैंप। So, Marzil, उस टाइम पे ही हैड मतलब वो एकदम फ्रेश प्लेयर थे वैलोरेंट के लिए। ही यूज्ड टू बी इनटू वो CS में प्रो सीन में थे एक्टिव, एंड उस टाइम पे उन्होंने इमीडिएटली स्विच किया था टू वैलोरेंट स्क्वाड, एंड ही वाज लर्निंग उस टाइम पे। मतलब ही हैड लिटिल नॉलेज अबाउट द अदर एजेंट्स, हाउ कैसे वो फंक्शन करते हैं, लेकिन उनका एक प्लेयर के अंदर वो भी रहता है ना डर कि आई एम गेटिंग इन टू अ टीम जो ऑलरेडी इतना अच्छा खेल रही है, जो प्लेयर्स ऑलरेडी आगे इतना सीख चुके हैं, मैं उनसे कैसे ताल मिलाऊँ। तो मार्जिल का ये एक बहुत हार्डवर्किंग एटीट्यूड था कि यू नो ही यूज टू पुट दैट एक्स्ट्रा आवर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में, एंड अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना और भी कंटेंट देखना NODWIN के YouTube चैनल पर, जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।